हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति टेस्टफुल टेबल। चलिए आज हम लोग कुछ नाश्ता ट्राई करते हैं और वो भी हेल्दी तरीके से। ये मैंने आटे से और सूजी से बनाया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रंची और इतना टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती। इसमें मैंने नूडल्स की फिलिंग की है जो कि आपको स्प्रिंग रोल का टेस्ट देगी। ये देखिए कितना टेस्टी और कितना लजीज लग रहा है। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल। उसमें अपनी लंबी लंबी बारीक कटी हुई सब्जियों को डालेंगे, जिसमें मैंने ओनियन लिया, कैप्सिकम, कैरोट, कैबेज और 2 ग्रीन चिलीज ली हैं। अब इन सबको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और ये कोरिएंडर पाउडर, ये सब डाल के इसको थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हमें सॉफ्ट करना है। उसके बाद ये बॉईल किए हुए नूडल्स, इसे बस मैंने पानी में बॉईल कर लिया है। अब इसके ऊपर केचप्स डालेंगे, जिसमें मैंने सोया केचप 1 स्पून, 1/2 स्पून चिल्ली केचप, 1 बिग स्पून टोमेटो केचप और 1/2 स्पून वेनेगर ये ऐड किया है। अब इन सब के साथ अपने नूडल्स को मिलाएंगे। ये अपने पॉकेट्स का मैं स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले। अब चलिए तब तक हम लोग अपना डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा, 1/2 कप सूजी, उसमें डालेंगे 1 स्पून ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट और पानी की मदद से हम इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दें ऑयल लगा के। उसके बाद इसे हाथों से इतना मसे कि ये बहुत ही चिकना हो जाए। हाथों से इसे थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, इसे सॉफ्ट करना है हमें बिल्कुल। जब ये सॉफ्ट हो जाए तब इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे और लोइयों को अब हम रोटी के साइज़ में तेल की मदद से एकदम पतला, जितना हो सके, जितना टूटे ना उतना तक हम इसे पतला बेल लेंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी और बहुत इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। अगर आप स्प्रिंग रोल को थोड़ा अवॉइड करके उसके अनहेल्दी मैदे को नहीं खाना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं आटा का पेस्ट लगा रही हूँ बाइंड करने के लिए। इसे चारों तरफ से कुछ इस तरह से बाइंड कर लेंगे हम। ये देखिए है, ये बाइंड हो गया है। इसी तरीके से हम अपने सारे स्प्रिंग रोल को रेडी कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पहले ऑयल में डालेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है, फिर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और धीमी आंच पे इसको सेकेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। इसका टेस्ट बहुत औसम और बहुत यूनिक लगता है। ये क्रिस्पी पॉकेट सबसे बेस्ट है। ये इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसमें मैंने सूजी 2 रीज़न से डाले हैं ताकि ये क्रिस्पी हो सके और लेस ऑयल अब्जॉर्ब कर सके। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।